आज हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट। एक बार फाइनेंशियल मार्केट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। सेवर, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल मार्केट, मोबिलाइजेशन, एलोकेशन, डायरेक्शन। फिर हमने पढ़ा था ये मार्केट कितने पार्ट में गया। टू पार्ट्स। पहला मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। इसके अंदर मेन क्या था, इंस्ट्रूमेंट्स कितने थे, पांच। पहला ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल बिल या ट्रेड बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी। तुम आगे आ जाओ, नहीं तुमसे कह रहा हूं, तुम आगे आ जाओ। कह तो आगे वाले से रहा था, तुम ही आ जाओ, आ जाओ। हाँ तुम आगे आ जाओ, ये दोनों दिखाई देंगे ना पीछे वाले, वो बीच में बात करते रहते हैं ना, तुम इधर आगे आ जाओ तो वो दोनों दिखाई दे जाएंगे सामने करके आ रहे हैं बस। हाँ जी, ऐसे ही जो हमारा कैपिटल मार्केट है इसको दो पार्ट से बांट देते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो इसके भी इंस्ट्रूमेंट्स है, अगेन 1 2 3 4 5। पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, EIPO। EIPO में क्या होता है, लीड मैनेजर होता है। फिर हम आते हैं क्या अपने सेकेंडरी मार्केट के ऊपर, और इसके अंदर हमने पढ़ा था दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है डिपॉजिटरी, एक होता है मार्केट। डिपॉजिटरी दो थी, NSDL और CDSL। मार्केट दो होते हैं, NSE और BSE। यहाँ पर क्या होता है, डीमैट अकाउंट ओपन होता है, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट। जो लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग मेंबर, जो दोनों करते हैं, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर। अब ये जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन स्टॉक ब्रोकर्स के पास जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो दो अकाउंट खुलवाते हैं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसके अंदर पहली चीज क्या आती है, अकाउंट को खुलवाने की प्रोसेस और ट्रेडिंग करने की प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंडेटरी चीज क्या है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। मेन चीज में क्या यूज करते हैं, पैन कार्ड। क्वेश्चन आता है तो मैंडेटरी में क्या है, पैन कार्ड इज मैंडेटरी। तीसरा पॉइंट, आधार कार्ड भी है लेकिन तुम्हारे NCERT की बुक इसे कवर नहीं करती है। मेन किस पे नंबर दे देती है, पैन कार्ड के साथ। दूसरी कंपल्सरी चीज क्या है, बैंक अकाउंट। फिर इस पे बात आई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट। अकाउंट कौन ओपन करता है, शेयर ब्रोकर। जब वो अकाउंट ओपन कर देता है तो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट का काम स्टार्ट होता है। ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले हाँ भाई, लॉग इन करनी है वेबसाइट, पहले लॉग इन की वेबसाइट। लॉग इन करने के बाद उसके अंदर हमने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट मिला, मतलब हमें कह सकते हैं ऑर्डर का नंबर मिला, किस ऑर्डर नंबर पे हमारा काम हुआ। जैसे ही हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर के प्लेस होते ही क्या शुरू हो गई, मैचिंग। मैचिंग शुरू हो गई बायर और सेलर के बीच में। जैसे ही मैचिंग, अगर 3:30 से पहले अगर ये हो गई, यानी ट्रेड क्या हो गया, एग्जीक्यूट, ट्रेड एग्जीक्यूटेड, मतलब ट्रेड हो गया। ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही हमें एक कंफर्मेशन आएगा और एक यूनिक आईडी आती है हमारे पास, जो ये बताती है कि आपका ट्रेड नंबर क्या है, जिससे कि आप उसको। और ट्रेड जैसे ही ये होता है, इस ट्रेड के होते ही दूसरे लोग जिनकी अभी प्राइस मैचिंग नहीं हुई है वो मैचिंग करना शुरू कर देते हैं, और ठीक 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। जिन लोगों की मैचिंग नहीं हुई है वो सारे के सारे ऑर्डर क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। और इसके ठीक बाद क्या शुरू होता है, सेटलमेंट। सेटलमेंट प्रोसेस में एक आदमी था बायर, एक था सेलर।
हाँ भाई, बायर का, बायर के पास भी था एक तो डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे ही डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ भाई, कैश किसके अकाउंट पे पड़ा हुआ था? बायर के अकाउंट में। शेयर्स किसके अकाउंट में पड़े हुए थे? सेलर्स के अकाउंट में। तो होगा क्या, कौन शेयर ब्रोकर यहां से शेयर्स निकाल के इसके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और यहां से कैश इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और ये प्रोसेस कितने दिन में? टी प्लस टू डेज। ये टू डेज क्या है? टू डेज ऑफ ग्रेस, दो दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर ये काम पूरा कर दिया जाता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर सेबी। सेबी का मेन क्या है? फंक्शन। कितने फंक्शन है? तीन फंक्शन है। पहला रेगुलेटरी, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना सब लोगों के लिए, सबका मतलब इंटरमीडियरीज के लिए, बैंकों के लिए, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, सबके लिए बनाना। ऐसे ही सेकंड वन डेवलपमेंटल फंक्शन, ये क्या कहता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराओ, सब लोगों को काम सिखाओ कैसे शेयर मार्केट में काम किया जाता है। थर्ड वन प्रोटेक्टिव फंक्शन, इसके अंदर मेन चीज क्या आती है? प्राइस रिगिंग आती है और इनसाइडर ट्रेडिंग आती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी चाहिए। कौन करता है ये? सेबी जो है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी है इसका। वो स्ट्रक्चर कितने दो पार्ट में बांटा हुआ है? प्राइमरी, एक तो प्राइमरी कमिटी है, दूसरी क्या है? सेकेंडरी। इन दोनों का काम क्या है? पता करना कि प्राइमरी मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सेकेंडरी मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रही है, और प्रॉब्लम को दूर करना। लेकिन आता कुछ नहीं है, आता एक ही है खाली, क्या? सेबी का फंक्शन। स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर वन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेवन, चैप्टर नंबर टेन। नेम द मेथड थ्रू विच कंपनी डिसाइडेड टू रेज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल रेज करनी है, लेकिन अब क्वेश्चन की पढ़ के तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है वो मनी मार्केट से रेज करनी है या फिर कैपिटल मार्केट से, तो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, आगे आओ, तुम आगे आओ। बोलो, एक चीज तो उसने क्लियर कर दी, इक्विटी से करनी है, डेट तो नहीं है। प्राइमरी मार्केट में डेट होता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होती है? इक्विटी। सॉरी, मनी मार्केट में डेट होता है, उस कैपिटल मार्केट में इक्विटी। इस लाइन ने हमें बता दिया कि ये क्या है, राइट इश्यू। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है हमें उन्हीं को दे देना चाहिए शेयर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 4। बोलो, नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्मड बाय द मार्केट इन द अबव केस, आल्सो एक्सप्लेन द अदर फंक्शंस परफॉर्मड बाय दिस मार्केट। बेटा दोबारा बोलो एक बार। नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्मड बाय द मार्केट इन द अबव केस, आल्सो एक्सप्लेन द अदर फंक्शंस परफॉर्मड बाय दिस मार्केट। वो बोल रहा है नेम द फंक्शन, तो सबसे पहले मार्केट का फंक्शन तो यहां तो क्लियर तो किया नहीं है इसने। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो क्या है ये? फाइनेंशियल मार्केट। तो
पहले तो हमें बताना है नेम द फंक्शन विच परफॉर्म बाय द मार्केट इन द अबव केस. तो केस पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. और एक्सप्लेन थ्री अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय दिस मार्केट. बोलो. कौन सा मार्केट है ये? मनी मार्केट. एक मिनट जाओ, यहाँ तो बोल रहा है कैपिटल मार्केट, नीचे क्या बोल रहा है मनी मार्केट के बारे में. आगे तो अलोकेटिव फंक्शन इसने बता दिया वैसे तो यहाँ पर. तो इसे बोलते क्या है, मोबिलाइजेशन भी बोलते हैं, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम टू द मोस्ट. फिर अदर फंक्शन परफॉर्म बाय, तो याद होगा प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है ये. फिर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है ये, और कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है. कौन सी कॉस्ट? ट्रांजेक्शन कॉस्ट. क्या मतलब? कि कहीं आपको जाना नहीं है सर्च करने के लिए, वहीं बैठकर आपको कंप्यूटर पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इफ एन एग्जामिनी हैज नॉट गिवन द हेडिंग, तो भी कोई बात नहीं है, एक्सप्लेन करके उसको अंडरलाइन कर दे. नेक्स्ट बोलो. तो पहली बात तो इस सैंपल पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आए? ये चार नंबर का तो ये था, और वो पहले पांच. अच्छा अब यहां ध्यान देना, फंक्शन पूछ रहा है तो एक नंबर तो क्लियर है, और तीन फंक्शन बोल दिए तो तीन नंबर. तीन पॉइंट से आधा पॉइंट बिल्कुल भी कवर नहीं करने हैं. पेज ना बोलो. नेक्स्ट 11. बोलो. पहली बात देखो, सुनो, यहां दिख रहा सामने मैंने क्या किया. मैंने एक तो कोटिंग द लाइन पर अंडरलाइन किया, और मैंने आइडेंटिफाई पे, स्टेट पर, और टू फंक्शन पर. मतलब हर उस चीज पे अंडरलाइन पहले कर दो क्वेश्चन पढ़ते टाइम जो जरूरी है, जिससे कि बार बार हमें लाइन पढ़ के टाइम बर्बाद ना करना पड़े. बोलो. क्या बोलते हैं इसको, इनसाइडर ट्रेडिंग. हाँ जी, तो कौन कौन से फंक्शंस उसने बोला था? कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, आइडेंटिफाई करना है और स्टेट करना है टू फंक्शंस के बारे में. तो सबसे पहला हमें प्रोटेक्टिव फंक्शन तो क्लियर कट मिल गया, क्योंकि प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या बताता है कि वो क्या कर रहा है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है. दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन क्या बता रहा है, ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन, यानी क्या करना चाहिए. हाँ भाई, रेगुलेटरी फंक्शन क्या बताता है कि क्या करना चाहिए, सेबी को रेगुलर वॉच करना चाहिए, ऑडिट्स करते रहने चाहिए, जिससे कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को पकड़ सके. तीन तरह के फंक्शंस पढ़कर आए थे हम. पहला क्या था हमारा, रेगुलेटरी, दूसरा डेवलपमेंटल, और तीसरा. तो इसमें डेवलपमेंटल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा. डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. मेन क्लियर है? तो दोनों फंक्शन मिल गए हमें इसके अंदर आराम से. इफ एन एग्जामिनी हैज गिवन ओनली द हेडिंग, हाफ मार्क बी अलॉटेड. तो हमने क्या करना है उसके बारे में, कितने नंबर का क्वेश्चन था? तीन नंबर का. दो पॉइंट बोल दिए, डेढ़ डेढ़ नंबर के हो गए, तो ऐसे में आधे नंबर की हेडिंग हो गई, और एक नंबर का क्या हो गया उसका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन. सेम चीज हो गई, मोबिलाइजिंग अभी भी आया था ऊपर, प्राइस की डिस्कवरी, लिक्विडिटी. नेक्स्ट. एक मिनट, यहां पर भी क्या दिया हुआ, चार पॉइंट ही कवर करने हैं हमें,
ऊपर यहां मेंशन तो नहीं है कितने हैं, लेकिन चार नंबर दिए तो चार पॉइंट के ही नंबर होंगे, सिर्फ हेडिंग लिखोगे तो और उसके एक्सप्लेनेशन के आधे नंबर, और अगर हेडिंग नहीं आ रही है तो लाइन लिखकर उसको सिर्फ अंडरलाइन कर दोगे तो भी एक नंबर पूरा। नेक्स्ट, कितने नंबर का पेपर आया इसमें? आठ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये हमारा, व्हाट इज मीन बाय कॉमर्शियल पेपर, बोलो बेटा। शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल है, प्रॉमिसरी नोट है, फिक्स मैच्योरिटी पे वापस किया जाता है, क्रेडिट वर्दी कंपनी को मिलता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटले, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट एक रुपए का भी शेयर होता है, मतलब स्मॉल आउटले भी चलता है यहां पर, लेकिन मनी मार्केट में कम से कम 25,000 तो कम से कम लगाने हैं, तो वहां पर क्या है, पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्कियर, क्यों? क्योंकि यहां पर लॉस हो सकते हैं, शेयर डीलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट का मतलब डेट, और जो आदमी उधार देता है वो हमेशा सेफ होता है, क्यों? केस कर देगा और लिक्विडिट कंपनी को लिक्विडेट करा के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, मिनिमम रिस्क माना जाता है लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट के अंदर। को कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, तो लिक्विडिटी क्या है, लेस है, जबकि हम मानते हैं मोर लिक्विडिटी है। तीन नंबर है, एक एक नंबर, तीन नंबर के आधे आधे नंबर के सारे पॉइंट हो गए, कोई भी एक अगर गलत होता है तो कितने उड़ेंगे तुम्हारे आधे नंबर। नेक्स्ट, 12 तो था, कितने नंबर का क्वेश्चन आया इस बार? पेज ना बोलो, 24। एक्सप्लेन एनी थ्री सच फंक्शंस, बोलो। फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी बाय परफॉर्मिंग मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, वो सेम चीज कह रहा है, सेम चीज निकल के आ गई, मोबिलाइजेशन, प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी और कॉस्ट कम लगती है, एलोकेटिव फंक्शन है ये। नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द कंपनी कैन यूज फ्रॉम द अबव फॉर द अबव पर्पस। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर, नेम एंड एक्सप्लेन बोल रहा है। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर व्हिच द कंपनी कैन गेट फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, स्टेट एनी अदर पर्पस फॉर व्हिच दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड। तो पहली बात, ये पांच नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए नेम और एक्सप्लेन दोनों कह दिया। फिर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दी, ऑब्वियसली एक नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ ड्यूरेशन पूछ रहा है, और स्टेट एनी अदर पर्पस, कितने पर्पस पता नहीं, देख के यूज होगा मालूम चलेगा। फिर चार नंबर का था, चार बोलो। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, कॉमर्शियल पेपर, और कॉमर्शियल पेपर दो जगह इस्तेमाल होता है, एक तो ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए और दूसरा। तो हमारा आंसर आया कॉमर्शियल पेपर, उसके बारे में बता देंगे, क्रेडिट वर्दीनेस होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, अनसिक्योर्ड होता है, नेगोशिएबल होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, फिक्स पीरियड के लिए होता है, 15 दिन के लिए है, 15 दिन से 1 साल के लिए है, एंड सीजनल और यानी वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये रिक्वायर्ड हो सकता है। कितने का था इस पेपर में? 5 साल चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th बोलो। डायरेक्ट हिट है, मैंडेटरी कभी भी आएगा तो पैन कार्ड ही होना है, तब भी क्वेश्चन तो पढ़ लो। एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पर उसने बता दिया है कि ऑलरेडी उसका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट भी मैंडेटरी चीजों में आता है। अगर उसमें ये लिख दिया क्वेश्चन के अंदर कि बैंक अकाउंट नहीं है, तो पहला तो तुम पैन कार्ड ही लिखना, और दूसरा डालना फिर क्या, बैंक अकाउंट, पहला पैन कार्ड और दूसरा फिर डालना क्या, बैंक अकाउंट।
ठीक है, और डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में उसने ये कह दिया कि बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन पैन कार्ड है। नहीं तो हमें तो पैन कार्ड चाहिए ना, मैंडेटरी में तो पैन कार्ड भी आता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, पैन कार्ड तो चाहिए साथ साथ और क्या चाहिए, बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा। हाँ भाई ये लाइन मिलते ही आंसर मिल गया। ऑल्टरनेटिव ऑफ बैंक बोरोइंग किसे कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, बैंक बोरोइंग का ऑल्टरनेटिव होता है। तब भी क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं, बोलो। हाँ तो उसने क्या बोला, बैंक लोन हमारे पास ऑप्शन था और नीचे उसने बोला है ऑल्टरनेटिव बता दो, तो ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, कमर्शियल पेपर। उसके बारे में सब चीज़ें जो अभी हम ऊपर पढ़ कर आए थे कि शॉर्ट टर्म होता है, अनसिक्योर्ड होता है, प्रोमिसरी नोट होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के लिए होते हैं, लार्ज और ट्रेड वर्दी कंपनीज के लिए होते हैं, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है, ये ऑल्टरनेटिव ऑफ बैंक बोरोइंग, और इसका यूज ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, और सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। रिपीट कितने नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर, हाँ बोलो। ठीक है, सेबी के फंक्शन। Keeping in mind the emerging nature of the securities market in India, Securities and Exchange Board of India was entrusted with the twin task of regulation and development of securities. क्या बोल रहा था, इसने बोला गया था developmental function, state the developmental function, सिर्फ क्या मांग रहा है, developmental function मांग रहा है, तो training देना, research conduct करना, उसको publish करना, and it undertakes measures to develop the capital market by adopting a flexible approach, मतलब नए नए methods लेकर आना, नए नए instrument लेकर आना। कितने नंबर का है, तीन नंबर का है, तो कम से कम तीन पॉइंट तो हमें लिखने पड़ेंगे। और उसने बोला हुआ if an examinee has given only heading, आधा marks मिलेगा, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा समझाना भी अच्छा, वैसे समझाने में कुछ करना तो पड़ता नहीं है। वो पहला पॉइंट आ गया, ट्रेनिंग देनी है किसको, इंटरमीडियरीज को। अब इसको वही इंटरमीडियरीज को थोड़ा और ढंग से समझा देना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसके लिए, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, इन सभी के लिए। नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ। अभी क्या बोल रहा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस, किसी के बेसिस पे नहीं बोल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। नंबर कितने हैं, छह, तो तीन पॉइंट कम से कम हमें देने पड़ेंगे। हाँ भाई कितने देने पड़ेंगे, तीन पॉइंट, इन्होंने चार दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, छह पे हमारा तीन पॉइंट कवर हो जाएगा। यहां पर पहला प्राइमरी मार्केट का, देयर इज इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज और बाय न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी पहली बार इश्यू करेगी तो प्राइमरी मार्केट में, और अगर न्यू इश्यू करेगी, एक तो न्यू इश्यू और दूसरा मतलब एडिशनल शेयर बोल देते हैं, एडिशनल इश्यू और करती है, तो ऐसे में भी प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ओनली। सेकेंड कंपनी का इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द, यहां पर बाय द इन्वेस्टर टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इन्वेस्टर को बेचता है, इसे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है। कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यहां कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब इनडायरेक्टली होता है। तुम्हें बताया था इस बारे में, क्या पॉइंट था,
कि एक कंपनी को एसी के लिए, एसी बनाने के लिए फैक्ट्री लगानी है, तो उसने कैपिटल मार्केट से पैसा लिया, फैक्ट्री लगा दी। इकोनॉमिक्स में तुम सब लोगों ने पढ़ा होगा कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स भी होती है वैसे, हम फिक्स्ड एसेट मान रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही हैं आपकी, इसका मतलब क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिस आदमी ने प्राइमरी पहला पैसा दिया था उसने डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया था, अब जैसे ही उसने किसी और को बेच दिया शेयर, अब कॉन्ट्रीब्यूशन किसका हो गया, दूसरे का। लेकिन बिल्डिंग बनी थी या मशीन खरीदी गई थी इसके पैसे से डायरेक्टली और उसके पैसे से इन डायरेक्टली। बाइंग एंड सेलिंग, ओनली बाइंग यहां पर अलाउ होती है, जबकि सेकेंडरी में बाइंग एंड सेलिंग दोनों अलाउ होते हैं। सैंपल पेपर 2015-16। अच्छा, पहले तो अब ये समझ लेते हैं कि वैसे तुमने नोटिस किया होगा कि अब ये चैप्टर तुम्हें देख रहे होगे जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, है ना। लेकिन अब हम देखते हैं पिछले 3 सालों में क्या बदतमीजियाँ हुई हैं। तो सैंपल पेपर 2015-16 ध्यान देना, तुम्हें क्या क्या देखना है, तुम्हें ये देखना है कि सैंपल पेपर से लिंक होकर एग्जाम में कुछ आता है या नहीं, या फिर पुराने पेपरों से कुछ हिंट ले लेते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज। हाँ भाई, क्रिएशन एंड एक्सचेंज, तो फाइनेंशियल मार्केट बोला है उसने, प्राइमरी सेकेंडरी तो नहीं बोला, नहीं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बोल रहा है। तो क्रिएशन कहाँ होता है, मनी मार्केट में भी होता है, और मनी मार्केट में भी होता है और कैपिटल मार्केट में भी होता है, मतलब प्राइमरी मार्केट में मतलब, है ना। और एक्सचेंज कहाँ होता है, नेक्स्ट बोलो। स्टेट एनी वन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अब ये भी पढ़ के आए थे फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन, नहीं स्टॉक एक्सचेंज के सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन, ये भी पढ़ के आए थे जो अभी ऊपर हमने डिफरेंस में डाले थे, वो सारे पॉइंट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। क्या ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्या ये डिटरमाइनिंग द प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पे, डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्राइस डिटरमाइन करता है, हाँ। ध्यान देना, प्राइमरी मार्केट में प्राइस डिटरमाइन बाय द कंपनी, इन सेकेंडरी मार्केट प्राइस डिटरमाइन बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। थर्ड वन, इट एंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज वेल रेगुलेटेड एंड ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके थ्रू, इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, प्राइमरी मार्केट, डिस इन्वेस्ट कहाँ होता है, री इन्वेस्ट कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट। इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, क्या है इक्विटी कल्चर क्रिएट होता है, लोग पैसा लगाना लगाते हैं बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यू एंड बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, एंड इट प्रोवाइड स्कोप फॉर द हेल्दी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन भी यहाँ पर हमें मिलता है। अब इसके अंदर एक जो जरूरी पॉइंट है वो है इक्विटी कल्ट, इक्विटी कल्ट और ये स्पेकुलेशन वाला पॉइंट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और एक ये वाला भी, डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट, डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, इन तीनों के ऊपर डायरेक्ट मतलब एक केस स्टडी बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन तीनों के ऊपर। नेक्स्ट बोलो, 15, गिव द मीनिंग ऑफ एलोकेटिव फंक्शन एंड स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। तो पहली बात तो एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है, सेवर से पैसा लेकर एलोकेट करना, डायरेक्ट करना। फिर कॉन्सिक्वेंसेज में, रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू द हाउस होल्ड वुड बी हायर एंड एलोकेटेड टू दीज दोज फर्म विच आर हाईली, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेज दो ही है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है उसका भी। पहला क्या कि अच्छी कंपनी में पैसा लगेगा प्रोडक्ट कंपनी में, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न हायर होंगे किसके, हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं, सेवर भी बोल सकते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, पहले एक नंबर का तो सिर्फ मीनिंग हो गई क्या होता है, और दो नंबर में स्टेट एनी थ्री रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है रेगुलेटरी फंक्शन। हाँ भाई, ब्रोकर और सब ब्रोकर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जितनी भी म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, उन सभी लोगों की स्कीम सेबी से अप्रूव्ड होती है। तो सेबी का काम क्या है, वहां पर रेगुलेट करना। ऐसे ही स्टॉक ब्रोकर्स को, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर्स, मर्चेंट, इन सब लोगों के लिए रूल्स बनाना। इट रेगुलेट्स
टेक ओवर्स, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, टेक ओवर्स एंड मर्जर्स कहते हैं। ये भी बिना सेबी के, कोई भी सरकार, कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो नया डायरेक्टर लेकर आएगी अपनी कंपनी में, या फिर कोई भी नया शेयर इशू करती है, कोई भी नया काम करती है, फाइनेंशियल अकाउंट बनाती है, ये हर एक इंफॉर्मेशन देनी होती है किसको? सेबी को। किस फंक्शन के अंडर में? रेगुलेटरी फंक्शन। अंडरराइटिंग की इंस्पेक्शंस करना, मतलब वही ऑडिट करना, ऑडिट करने का काम भी है, और जो भी फी होती है, कौन कौन सी फी थी? हाँ भाई, कौन कौन सी फी? सेबी की अलग फी, डिपोजिटरीज की अलग फी, एनएससी बीएससी मार्केट की अलग फी, सब ब्रोकर बनना है तो फीस दो अलग से, ब्रोकर बनना है तो फीस अलग से दो, हर जगह सरकार की जो भी फीस होती है वो सब इसके अंदर आती है। एंड इट परफॉर्म्स एंड एक्सरसाइज सच पावर्स अंडर सिक्योरिटी। कितने नंबर का है? तीन, तीन ही पॉइंट याद करने हैं, कोई भी तीन चल जाएंगे, थोड़े से उनको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट, अच्छा आप तुमने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सैंपल पेपर ने थोड़ा तरीका चेंज किया है, पहले कॉमन क्वेश्चंस चल रहे थे, अब थोड़े तरीके यहां पर थोड़े चेंज किए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा। ये तो बोर्ड का है, तो बोलो। रिपीट। हाँ भाई, क्वेश्चन तो एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है ना, बाकी ऊपर से देखेंगे। ठीक है, तो वैसे तो सब कुछ सेम ही है, बैंक बैंक वही थे। एक और निकल गया, ये क्वेश्चन रिपीट, वही तो बोल रहे हैं, रिपीट बोल रहे हैं ना इसको, तो नाम चेंज कर दिया है, रिपीट हो गया है पुराना पेपर। नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसे नहीं। अब हमारे इस बच्चे ने क्या लिखा है, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेबी दिया उसने, रेगुलेटरी फंक्शन। और हाँ भाई, कितने नंबर का क्वेश्चन है पहले ये देखो, तीन नंबर। हाँ भाई, कितना लिखा है ये बताओ, क्या किया उसने? पहले तो बता दिया क्या है और कौन सी लाइन है, डेड डेड लाइन में भी उसने काम चलवा दिया। हाँ भाई, एक बात समझ में आ रही है ना, ज्यादा नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, पेज नंबर बता दो यार। स्टेट द फंक्शन, फिर से रिपीट, ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, तो है ना, ये उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है, तो उनको चलो दो चार नंबर तो दे दें। चलो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है ये भी। एक मिनट, बच्चे ने क्या लिखा है एक बार ये भी देख लेते हैं। फंक्शंस कितने नंबर के थे ये? फोर मार्क्स, हर एक लाइन का एक नंबर है। यहाँ कुछ और लिख दिया इसने, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव, ये तो हेडिंग थी इसका एक्सप्लेनेशन। फैसिलिटेटिंग प्राइवेट डिस्कवरी, इसका एक्सप्लेनेशन। लिक्विडिटी, उसका री इन्वेस्ट डिस इन्वेस्ट सब आ गया इसके अंदर। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तुम ऐसे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसे ये बच्चा है, ये ज़्यादातर इस बच्चे के आंसर वैसे ही हैं जैसे कि ऊपर दिए हुए हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात समझना, ये हर पेपर में ऐसा होता है कि किस बच्चे के नंबर आते हैं फुल, जो पिछले सारे पेपर्स की रिसर्च करके पहुँचता है। एक बच्चा वो होता है ऐसे नॉर्मली पढ़कर जाता है, एक होता है जो रिसर्च करके आता है। मतलब अब अगर तुम्हें मालूम है कि अगर ये क्वेश्चन आया, तुमने ढंग से अगर पढ़ा हुआ है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें मालूम है ये लिख के नंबर पूरे मिल रहे हैं, तुम भी एक्स्ट्रा फालतू का नहीं लिखोगे, यही चारों के चारों पॉइंट बार बार दिए हुए। तो मैं कह रहा हूँ इसकी रिसर्च करने का हमें फायदा क्या है, फायदा ये होना चाहिए कि क्या लिखना है हमें इसके हिसाब से ही आगे बोर्ड में फोकस करना चाहिए। और एक और चीज़ तुम देखोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन हम मैचिंग करते हुए मिलेंगे, बस तुम्हें ध्यान देना है कि बोर्ड किस तरह के आंसर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जिस तरह से बोर्ड कह रहा है वैसे ही हमें करना होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट बोलो। कंपार्टमेंट, अच्छा पहली बात तो ये सैंपल पेपर में जो भी आया था वो तो रहा नहीं, पुराने पेपर ही आए हैं। अभी सैंपल पेपर से कुछ रिलेट तो है नहीं कर रहा, ये पुराने पेपर्स उसने रिपीट कर दिए हैं, कल भी ऐसे ही हुआ था। नेक्स्ट कौन सा है, सिक्स्थ बोलो। आइडेंटिफाई द फंक्शनैलिटी टाइप परफॉर्म्ड बाय सेबी इन द अबव केस। एबीसी लिमिटेड इश्यूड प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ इट्स 5 लाख।
shares to all applicants on pro rata basis. Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement about the management of the company in it. SEBI imposed a penalty of rupees 5 crores and banned it the executive directors for dealing in securities market for 3 years. अभी कौन सा फंक्शन है ये? प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो कहता है कोई भी फ्रॉड है उसे पकड़ो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लो. कितने नंबर का था? एक नंबर का था. उसने बोला है आइडेंटिफाई द फंक्शन, कौन सा मिला? प्रोटेक्टिव फंक्शन. एंड इट्स टाइप, कौन कौन से टाइप दिखाई दिए, तो हमें क्या क्या मिला? फ्रॉड को, और दूसरा क्या, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बंद करवाने का काम भी करता है ये. मतलब एक और चीज़ तुम्हें समझ में आई कि इसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन, ये पहली बार आया, इससे पहले तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया. कंपार्टमेंट पे उसने पेपर दिया है, भैया मान चलो पिछले साल का कंपार्टमेंट इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ना, तो उसने एक क्वेश्चन निकाला कि किस तरह के एक के अंदर के दो पॉइंट, यानी कि हम लोगों ने नॉर्मल जो प्रोटेक्टिव फंक्शन में जो ज़्यादातर हम यूज़ करते थे वो तीन होते थे, एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अब नई चीज़ निकल के आ रही है क्या, कि वो फ्रॉडलेंट वाली, फ्रॉड वाले पॉइंट को भी कवर कर सकता है. नेक्स्ट. स्टेट एनी थ्री मनी मार्केट के फंक्शन है, ठीक है. तो पहला तो शॉर्ट टर्म फंड मिलते हैं, यहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है और रिस्क भी कम होता है. तीन नंबर है, सिर्फ हेडिंग लिखोगे या एक्सप्लेनेशन भी? एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. ये तो अपना सैंपल पेपर नया स्टार्ट हो गया है ना, नहीं कंपार्टमेंट चल रहा है. ये पहला क्वेश्चन आया था, दूसरा, ठीक है. नेक्स्ट 18. आइडेंटिफाई अबे ये इसका आंसर तो फ्रीट हो गया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और दो वैल्यूज वो तो आनी नहीं है. बोलो. यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड टू डील इन सिक्योरिटीज. इट वाज रजिस्टर्ड एज अ स्टॉक ब्रोकर विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. मतलब कि वो दोनों मार्केट में रजिस्टर्ड था. क्वेश्चन क्या था पहला? आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज विच हैज नॉट बीन फॉलोड. तो डिलीवरी ऑफ द शेयर्स इन डीमैट फ्रॉम डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू इन्वेस्टर अकाउंट बाय द, मतलब होता क्या है कि सीधा सीधा उसके अकाउंट पे जाने चाहिए लेकिन उसके अकाउंट पे उन्होंने नहीं भेजे, ये गलती करी. नहीं, सेटलमेंट पे दोनों चीज़ें आती है ना, शेयर्स भी जाएंगे और कैश भी आएगा, दोनों को मिला के सेटलमेंट बोलोगे. यहाँ पर सिर्फ वो पैसा तो कट गया उसके अकाउंट से लेकिन शेयर्स नहीं गए, तो यहाँ पर मेन फोकस किस पे कर रहा है कि शेयर नहीं गए, तो तुम भी शेयर बताओ कि शेयर नहीं गए वो इंपॉर्टेंट है ना. तो शेयर ट्रांसफर नहीं हुए, यानी कि जब कोई शेयर खरीदता है तो उसके अकाउंट में डायरेक्टली वो शेयर्स पहुंच जाने चाहिए लेकिन वो डिलीवरी, उसे डिलीवरी कहते हैं, शेयर्स की डिलीवरी. और ये किसकी जिम्मेदारी है? ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि उसके डीमैट अकाउंट से निकाल के दूसरे के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करे और ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के पैसा ट्रांसफर करे. नेक्स्ट. ठीक है भाई, सेवेंथ. ये हो गया 2016, पिछले साल का है ये? नहीं, पिछले पिछले साल का. सेवेंथ बोलो. फील तो रिपीट वाली आ रही है लेकिन है नहीं. हाँ बोलो. Mr. Amit Joshi, the chief executive officer of the company, wants to raise
द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर नरेंद्र सिंह सजेस्टेड दैट द शेयर्स मे बी सोल्ड टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडियरीज एज द सेम विल बी ठीक है इंटरमीडियरीज के थ्रू क्या बोलते हैं इसको सेल ऑफर फॉर सेल हाँ भाई ऑफर फॉर सेल इज द एक नंबर का ऐसे नाम बताना है नाम बता देना ज्यादा दिमाग मत लगाना नेक्स्ट वैसे देखा जाए तो रिपीट ही था वो क्वेश्चन भी कह सकते हैं वो सब कुछ सेम था खाली उसने एक पॉइंट चेंज कर दिया एक पॉइंट चेंज कर दिया अभी तो कह रहे मतलब वो देखो ना कि जो आप पढ़कर आए वैसी चीज फील आ रही है ना हाँ बोलो 93 18 बोलो भाई पढ़ दो बच्चे जब बोलो नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्मड बाय द मार्केट इन द अबव केस नेम द मार्केट सेगमेंट अदर देन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन व्हिच अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड ठीक है गिव एनी थ्री पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू पहला तो एलोकेटिव फंक्शन क्लियर है मनी मार्केट वो बोल रहा है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड फंड कहाँ मिलता है मनी मार्केट में और तीसरे में उसने बोला क्या कैपिटल मार्केट और उन दोनों के बीच में क्या बताना है डिफरेंसेस बताने हैं क्वेश्चन पढ़ दो लेकिन एक बार ठीक है ये तो क्लियर हो गया कि सेवर से इन्वेस्टर के पास जाना है ठीक है वैसे क्वेश्चन तो इजी है ना सेम चीज ही है लेकिन बोलने के तरीके बदल रहे हैं नेक्स्ट रुको 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 पहले बच्चे ने क्या लिखा वो देख ले हाँ भाई पहले तो उसने आंसर कर दिया एलोकेटिव फंक्शन है बहुत बढ़िया फिर इसने बता दिया कि मनी मार्केट है जो कि अनसिक्योर्ड और ये होता है तीसरे में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बच्चा लेकर आ गया जिसके अंदर लग लग के पेज भर दिए इसने नेक्स्ट एक मिनट रुको वापस पीछे आ रहा हूं मैं कितने नंबर का क्वेश्चन था ये कितने नंबर का क्वेश्चन था ये 4 मार्क्स तो 4 मार्क्स में 3 पॉइंट के 3 मार्क्स होंगे तो क्लियर है हाँ भाई 3 पॉइंट मांगे तो 3 पॉइंट के 3 नंबर हो गए और बाकी 2 क्या हो गए आधे आधे डायग्नोज हो गए पेज ना बोलो क्वेश्चन नंबर अच्छा वो आ गया कंपार्टमेंट सिक्स्थ बोलो ठीक है कॉल मनी क्या होती है भाई बैंक बोरो करता है एक दूसरे से मेंटेन करने के लिए CRR रीपेबल होता है डिमांड पर मैच्योरिटी पीरियड इसका 1 दिन से लेकर 15 दिन हो सकता है इसके अलावा एक पॉइंट और डाल दो इसके अंदर कि हाल ही वॉलेटाइल होता है इसके अलावा एक और पॉइंट है कौन सा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डेट इज कॉल्ड कॉल रेट नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ 3 पॉइंट सेम चीज है क्या नहीं लिक्विडिटी के बेसिस पे लेस लिक्विड मोर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड यहां पर वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो 5 पड़े थे एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर रिटर्न यहां पर कंपेरेटिवली रिटर्न कम मिलेगा फिक्स रेट से नेक्स्ट कितने नंबर का क्वेश्चन आया इसके अंदर वैसे ये सब पढ़ने के बाद आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो रही होगी एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि इस चैप्टर के अंदर ही पूरे नंबर आ सकते हैं है ना तो ज्यादा क्रिएटिविटी करने के लिए है ही नहीं इनके पास इसके अंदर बोलो भाई सेवेंथ हाँ भाई सीधा वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी अगर गड़बड़ी करती है तो ऐसे में सो कॉज नोटिस कौन देता है सेबी देती है बताओ इसमें तुम्हारी गलती है या नहीं क्योंकि पहले ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली सेबी उसके ऊपर पेनल्टी लगा देगी तो
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है, यानी कौन सा हमारा फंक्शन है इसके अंदर, रेगुलेटरी फंक्शन, जो कहता है कि कोई भी गलती करेगा तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए पहले उससे आंसर लेना है कि ये तुमने गलती कैसे की या वट एवर, पहले सो कॉल नोटिस देना, कौन सा फंक्शन एक तरह का ये रेगुलेटरी फंक्शन। अब एक कॉलिंग बोला इसका, बोलो क्या लिखा बेटा उन्होंने, ठीक है ना, उसी के अंदर आ गया सो कॉल नोटिस कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले हम पूछेंगे ये क्या है रेगुलेटरी फंक्शन। अच्छा एक और तरीके समझते हैं इसको पहचानने का तरीका, उसने बोला, उसने कहीं ये नहीं बोला है कि कोई मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चेंज होने वाला है, चेंज होने वाले होते तो कौन सा फंक्शन होता है ये, डेवलपमेंटल। प्रोटेक्टिव का मतलब कोई गड़बड़ी है, फिक्स हो चुकी है गड़बड़ी, फिक्स नहीं हुई है, वो तो कह रहा है कि गड़बड़ी को ऑडिट किया जा रहा है, तो कहां करते हैं ऑडिट, नेक्स्ट बोलो, हाँ भाई ठीक है, तो स्टार्ट करो पहला पॉइंट, इन्वेस्टर हैज टू अप्रोच अ रजिस्टर्ड ब्रोकर, तो सुन लो इसका कंक्लूजन सुन लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, ऑर्डर प्लेस करने से पहले अकाउंट चाहिए ना, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्रोकर से मिलो, उसके साथ अपना अकाउंट ओपन करने की फॉर्मेलिटीज पूरी करो बिफोर ऑर्डर, यानी ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर टू, ठीक है वही सेम चीज हो गई, डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है चार काम करने, कौन से इसको छोड़ देते हैं, क्या लिखा है, सबसे पहला तो अकाउंट ओपन करवाओ, है ना, अकाउंट ओपन करने के बाद लॉगिन करके उसके अंदर ऑर्डर प्लेस करो, ऑर्डर प्लेस करोगे तो क्या मिल जाएगा, तुम्हारी ऑर्डर स्लिप मिल जाएगी, फिर क्या शुरू हो जाएगी, मैचिंग, मैचिंग होते ही एग्जीक्यूशन हो गया, उसने सेटलमेंट तो नहीं पूछा ना, ट्रेडिंग ही तो पूछा है, तो सेटलमेंट कर दिया, सॉरी ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ, मैचिंग हो गई, मैचिंग होते ही क्या होगा, जैसे ऑर्डर फिक्स होगा, ऑर्डर फिक्स होते ही ऑर्डर नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट के बाद क्या शुरू हो जाएगा, सेटलमेंट प्रोसेस। तो कोई एग्जैक्ट जो चार पॉइंट दिए हैं, पर एक पॉइंट इसमें बढ़ गया क्या, पहले अकाउंट ओपन करवा लो, फिर ऑर्डर प्लेस कर दो, फिर मैचिंग और फिर एग्जीक्यूशन, चार पॉइंट। नेक्स्ट, मतलब बोर्ड का पेपर है, हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, ये पिछले साल आया था ये पेपर, बोलो, नहीं कर सकता, तो आंसर पे आते हैं, क्यों, क्योंकि 25,000 रुपए और उसके मल्टीपल के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, हाँ भाई, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मैनिपुलेशन, जो भी सारी प्राइस रिगिंग भी इसके अंदर आ गई, तो दोनों पॉइंट अभी अभी हम करके आए थे ना, फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, आओ कोई कर रहा है तो पेनल्टी लगा दो, इट अंडरटेक्स स्टेप्स फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड इट प्रमोट्स फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी बनाए गए हैं चार पॉइंट कोई भी चलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, अच्छा खत्म, आई थिंक ये तो पूरा इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, बड़ा इजी रहा ये तो। हाँ, कंपार्टमेंट, आओ देखिए फेल वालों के लिए क्या रहा, फिफ्थ बोलो,
IPG, etc. It has built good reputation over the years. It has been consistently earning profits and paying regular dividends to its shareholders. It needs additional working capital immediately to finance the project. It expects to return this amount after 7 to 8 months. Ashish Batra, the finance manager of the company, does not want to get into procedural requirements of securing finance from a commercial bank. हाँ भाई, बैंक से उसको पैसा लेना नहीं है, तो बैंक का ऑल्टरनेटिव क्या है? तो आंसर क्या हो गया? कॉमर्शियल पेपर. नेक्स्ट. और एक और जी यहां पर दिया है ना, एक बड़ी कंपनी है और उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है, बैंक से पैसा लेना नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है क्या? फिर सुनो, क्या यहां पर ट्रेजरी बिल्स आ सकते हैं? मतलब ही नहीं है. क्या यहां पर कॉमर्शियल बिल ये आ सकता है? हाँ भाई, क्या ये आ सकता है? क्यों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं. यहां पर हम क्या करते हैं, गुड्स खरीदने बेचने के लिए इसको ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, कैश लेने के लिए नहीं. फिर कॉमर्शियल पेपर तो दिख रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक यूज करता है और कॉल मनी भी बैंक यूज करते हैं. नेक्स्ट. फोर फंक्शंस. बदतमीजी हो रही है, तो फ्री के नंबर बांट रहे हैं. हाँ, हाँ भाई, तो छह नंबर का है भाई. पहले तो बोल रहा है व्हाट इज न्यू इश्यू मार्केट, किसे बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट. तो हमने समझा दिया कि प्राइमरी मार्केट. बेटा आंसर बोलो. न्यू इश्यू मार्केट इज अ मार्केट इन व्हिच न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द इन्वेस्टर्स. लिख देना क्या, प्राइमरी मार्केट है ना. हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या था? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ रोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट के. तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, छह नंबर का है. से नाम तो पूछा नहीं है, एक्सप्लेन बोल रहा है. तो हमारे पास पहला क्या था? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा ऑफर फॉर सेल, तीसरा इफ एन एग्जामिनर हैज नॉट गिवन द हेडिंग एज अबव. हाँ भाई, तो इस साल बोर्ड हमसे कह रहा है कुछ ये सब पढ़ के जाओ. पहला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा? 11th. बोलो बेटा. अच्छा, पहली बात ये समझ लो कि इस साल तुम लोगों के पास ऑप्शंस बहुत आने वाले हैं, है ना. जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो, ऑप्शंस मिल गए और लग गए. इससे पहले ऐसा नहीं होता था, अब तुम्हें ऑप्शंस मिलने वाले हैं, तो अब थोड़ा और इजी हो जाएगा कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो तुम्हें आते ही होगा. बोलो. ठीक है, दूसरा. पहले में तो क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव बताने. दूसरा बोलो. तो थ्री फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल. तो ऑब्वियसली ऐसा कोई आता है तो तुम लोग यही करोगे, दूसरा वाला. हाँ भाई, दूसरा वाला करोगे. लेकिन आओ हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला क्या दिया है. बोलो बेटा, ऑब्जेक्टिव बोलो. अब सुन लो, किसी को याद ना हो तो सिंपल सा बात समझ लो, तीनों फंक्शन है ना वही ऑब्जेक्टिव है. तो उन्हीं के अंदर के कोई भी पॉइंट कवर कर सकते हो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ. कितने नंबर का है? 3 नंबर का. तो 3 पॉइंट चल जाएंगे. हाँ, बहुत है 3 पॉइंट. तो तीनों फंक्शंस में से कोई भी एक एक पॉइंट कवर कर सकते हो अपने तरीके से, कि ये ऑब्जेक्टिव है क्या, फ्रॉडलैंड को रोकना क्या, उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग नए नए ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को लेकर आना, और ऑडिट और इन सब चीज़ों को लेकर रूल बनाना जिससे कोई गलत काम ना हो सके. नेक्स्ट.
फोर डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं लिक्विडिटी के बारे में, ड्यूरेशन के, बोलो बेटा अबे आंसर पढ़ के सेम रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम है, पढ़ लो ऊपर भी। ये कब आया था, कब आया था इससे पहले? ये नहीं आया था, कब आया था? नहीं मतलब ये देखो ना कि एक साल पहले, दो साल पहले, कब का है ये? सैंपल पेपर में था पुराने। ठीक है और कुछ? अभी रुक जाओ अभी, तो ये चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल मार्केट ऑन एन एवरेज मिनिमम किसी भी पेपर में कितने मार्क्स का आया और मैक्सिमम मिनिमम फोर, मिनिमम चार से सात, ग्यारह तक आया। किस साल आया ग्यारह? 2018-19 के सैंपल पेपर में, मतलब इस साल 11 नंबर का दिया है ये पेपर, ये चैप्टर, तो चार से लेके 11 नंबर तक का है। वैसे दो क्वेश्चन तो कंफर्म है। हाँ भाई, इसमें दो क्वेश्चन, एक तो फंक्शंस बार बार पूछ रहा है, सेबी के फंक्शंस भी और फाइनेंशियल। ओके थैंक यू, कल हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। हेलो।